गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विकास अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश में प्रेजेंट सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जहां से आप MBBS को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, जिसमें नंबर वन पर आता है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्वालियर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 1946 में। यहाँ पर अप्रोक्स 200 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं MGM मेडिकल कॉलेज, यानी कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 1948 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। नंबर तीन पर आता है गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 1955 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस भी 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। नंबर चार पर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जो कि जबलपुर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 1955 में। यहाँ पर अप्रोक्स 180 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। नंबर पाँच पर आता है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, जो कि रीवा में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 1963 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। फिर बात करते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जो कि सागर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2009 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि दतिया में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2018 में। यहाँ पर अप्रोक्स 120 शीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि खंडवा में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2018 में। यहाँ पर अप्रोक्स 120 शीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि रतलाम में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2018 में। यहाँ पर अप्रोक्स 180 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि विदिशा में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2018 में। यहाँ पर अप्रोक्स 180 शीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि छिंदवाड़ा में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2019 में। यहाँ पर अप्रोक्स 100 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि शहडोल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2019 में। यहाँ पर अप्रोक्स 100 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि शिवपुरी में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2019 में। यहाँ पर अप्रोक्स 100 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 1 से 1.5 लाख पर एनम जाती है। इन सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा वहाँ पर एक एम्स भोपाल है, जो कि स्टेबलाइज हुआ 2012 में। यहाँ पर अप्रोक्स 125 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 5 से 6,000 पर एनम जाती है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हर साल जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 600 प्लस जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जिसमें नंबर वन पर आता है RD गर्दी मेडिकल कॉलेज, मतलब रुक्मणी बेन दीपचंद मेडिकल कॉलेज, जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2001 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 8 से 9 लाख पर एनम जाती है। नंबर दो पर आता है श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2003 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 11 से 12 लाख पर एनम जाती है। नंबर तीन पर आता है पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2005 में। यहाँ पर अप्रोक्स 200 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 12 से 13 लाख पर एनम जाती है। नंबर चार पर आता है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2007 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 12 से 13 लाख पर एनम जाती है। नंबर पाँच पर आता है एलन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2009 में। यहाँ पर अप्रोक्स 250 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 12 से 13 लाख पर एनम जाती है। इसके बाद बात करते हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2011 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 12 से 12.5 लाख पर एनम जाती है।
इसके बाद बात करते हैं RKDF मेडिकल कॉलेज। RKDF मतलब रामा कृष्णा धर्मा फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2014 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 12 से 12.5 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि देवास में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2016 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 10 से 11 लाख पर एनम जाती है। अब बात करते हैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2020 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 8 से 9 लाख पर एनम जाती है। इसके बाद बात करते हैं सुख सागर मेडिकल कॉलेज, जो कि जबलपुर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये स्टेबलाइज हुआ 2021 में। यहाँ पर अप्रोक्स 100 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 9 से 10 लाख पर एनम जाती है। इसके बाद आता है LNCT मेडिकल कॉलेज। LNCT मतलब लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, ये भी रिसेंटली डेवलप्ड कॉलेज है। स्टेबलाइज हुआ 2021 में। यहाँ पर अप्रोक्स 150 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ की ट्यूशन फीस 11 से 12 लाख पर एनम जाती है। तो इस तरह से हमने सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कवर किए। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।